अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फहद और आज की जो नेक्स्ट वीडियो वो है हर्षी फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको हर्षी फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि हर्षो फाउंडेशन जो है ये किस तरह जो है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को सपोर्टिव रोल अदा करती है, जिसमें आपको काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि इसमें किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं। तो सबसे पहले आप इसमें जो है वो वेबसाइट की तरफ जाएंगे, यानी हर्षी फाउंडेशन की अगर वेबसाइट आप ओपन करें एंड जस्ट प्रोसीड टू वर्ड्स द स्कॉलरशिप नेविगेशन बार। तो स्कॉलरशिप नेविगेशन बार में जब आप देखेंगे जी, तो यहाँ से जब आप स्कॉलरशिप नेविगेशन बार पर आएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मेंशन है अनाउंसमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप 217 स्कॉलरशिप क्राइटेरिया एप्लीकेशन फॉर्म और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी किन किन यूनिवर्सिटीज में ये ऑफर किया जा रहा है। अगर इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ें तो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि ये टैलेंटेड और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी स्टडी को फर्दर आगे जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर इन्हेंस करना चाहते हैं टुवर्ड्स द प्रोफेशनलिज्म। और इसके अलावा भी यंगस्टर्स के लिए एक इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट्स जो है वो HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल है बिल्कुल, यहाँ से आप ये तीन डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के बाद आप बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। तो हर्षो फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ पर मेंशन है कि ये अवार्ड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स जिनके इंटरमीडिएट में मार्क्स 75% से अबव हैं, ठीक है, और जो 217 में एडमिशन ले चुके हैं, 2017 में हर्षो फाउंडेशन अप्रूव इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे एक मैसेज किया है कि आप जो है वो जो डेट गुजर जाती है उस स्कॉलरशिप को जो है वहाँ पर बाद में मतलब उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट ईयर जब ये स्कॉलरशिप आने लगे तो इसके बारे में आपको पता हो, ताकि आप आगे किसी दोस्त को बता सकें या खुद इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अगर मैं इसकी वीडियो ही नहीं बनाऊंगा तो हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में न पता हो, तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको उस स्कॉलरशिप के बारे में पता चल जाए। तो इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं, ये स्टेप गुजर चुकी है, बाकी इसमें जो डिटेल है वो www.hashufoundation.org में अवेलेबल है। इसका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, मेन जिना एवेन्यू ब्लू एयर इस्लामाबाद एंड फोन नंबर इज 0512273621। यहाँ तक आप डायल करेंगे तो आपको कॉल हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सटेंशन नंबर है 5 का 2222232425 के साथ आप करके इनको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं जी, जिसके 75% से मार्क्स अबव हो वो ही इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर्षी फाउंडेशन का स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है और इंस्ट्रक्शंस क्या है कंपटीशन फॉर एप्लीकेशन। अब ये जो है एक तो फुल और पार्शल स्कॉलरशिप है ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, ठीक है। पार्शल का मतलब होता है कि हाफ स्कॉलरशिप और फुल का जो कम्प्लीट होता है। उसके बाद इसमें जो स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा ये 50% लोन पे होगा और 50% ग्रांट बेसिस पे होगा। उसके बाद ये स्कॉलरशिप जो है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिशन जो है वो 2017 में हर्षो फाउंडेशन की अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टडीज़ पर हुआ है। अब वो इंस्टीट्यूट्स भी मैं आपको अभी आपको दिखा देता हूँ, अगर उनमें आप पढ़ते हैं तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं स्कॉलरशिप जो है ये मेरिट कम नीड बेसिस है, उसके अलावा इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो डिजर्विंग हो, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड 75% इंटरमीडिएट एंड विल बी कंसिडर फॉर दी स्कॉलरशिप्स। सो इसमें आपके मार्क्स जो है 75% अबव होने चाहिए FSC में और दूसरा आप डिजर्विंग भी हों। उसके बाद कोर्स रिलेटेड जितनी भी आपकी कॉस्ट है वो हर्षो फाउंडेशन की तरफ से पे की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो टैलेंटेड होंगे डिजर्विंग होंगे और जो दूर दराज यानी गाँव के इलाकों से अगर होंगे तो उनको भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इन इटसेल्फ इज नॉट गारंटी द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप और प्लेस एनी अदर लायबिलिटी ऑन द हर्षो फाउंडेशन, कि आपको जो है स्कॉलरशिप वो मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी जो है वो नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर इनका फॉर्म जो है अवेलेबल है, ठीक है, वो आप कंप्यूटराइज ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखा हुआ है कि उसके बाद आप एक ओथ भी स्टेटमेंट देंगे कि आप इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, ठीक है, और कोई आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं की जा रही कोर्स के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच करेंगे, विच द लास्ट सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस, टू अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक, नेशनल आईडी कार्ड, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं। फॉर्म विदाउट ऑल रिक्वायर्ड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एंटरटेन, और ये आपके साथ में एड्रेस लिखा है जिसमें आपने इस चीज़ को सेंड कर देना है। तो ये तो इनका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया और इंस्ट्रक्शन थी। अब मैं आपको ले जाता हूँ इनके अप्रूव इंस्टीट्यूशन की तरफ। ये जो इनके अप्रूव इंस्टीट्यूशन हैं, जो इनके अप्रूव इंस्टीट्यूशन हैं वो आपके सामने मेंशन है कि अगर किसी स्टूडेंट्स का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन हुआ है और बीबीए अगर वहाँ पे कर रहे हैं, यानी अगर इन डिपार्टमेंट्स में वो पढ़ रहा है, तो तब ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। उसके बाद बहरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बीएस एनवायरमेंटल साइंस और बीबीए है, कॉमसेट इस्लामाबाद में बीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आई इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन है, नस्ट में बीएस इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है, जैबिस इस्लामाबाद में बीबीए, फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बीएस इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में। तो ये तो इस्लाम कैपिटल ट्रेजरी है। उसके बाद पंजाब की भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैंशन है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में एमबीबीएस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, फातमा जना मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल कॉलेज, कायदे आज़म पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में भी इसकी अपॉर्चुनिटी है। नॉटर डेम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डॉ में भी है एमबीबीएस के लिए। ये तमाम इसमें मेडिकल के कुछ कोर्सेज इंक्लूड हैं। उसके बाद चांद का मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी तमाम ऐसे अयूब मेडिकल कॉलेज, खैबर मेडिकल कॉलेज भी इसमें इंक्लूड है। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है बलोचिस्तान में, एंड बुलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा एंड गिलगित पाकिस्तान में है, क्राक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित पाकिस्तान। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी प्रूफ हशी फाउंडेशन की, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मैंने आपके सामने एक दफ़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा दी है। फाइनली ये मेरी आज की वीडियो थी, हशी फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स विच इंक्लूड द अंडर ग्रेजुएट एंड एमबीबीएस, यानी अगर आप इसमें किसी भी मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ में मिल सकती है। फाइनली उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी न्यू वीडियोज़ भी आपको रिसीव होती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।